दोस्तों, चाहे सफर ड्रीम्स पूरे करने का हो या रोज मेहनत करके अपने गोल्स अचीव करने का, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, जॉब वर्किंग पर्सन, स्पोर्ट्समैन या एक बिजनेसमैन, आपका डिसिप्लिन ही डिसाइड करता है कि आप अपने सपने कब और कितनी जल्दी अचीव करोगे या इवन कर भी पाओगे या नहीं। क्योंकि जिम रॉन जैसे काफी सक्सेसफुल पीपल मानते हैं कि डिसिप्लिन ही आपके गोल्स और अकम्पलिशमेंट्स के बीच का ब्रिज है। तो अगर आपको मुश्किलों, फेलियर्स और रुकावटों से भरी जिंदगी की नदी को पार करना है, तो आपको अपनी जीत तक पहुंचने के लिए इस डिसिप्लिन के ब्रिज से चल के जाना ही होगा। और इस हिलते डुलते ब्रिज पे चलने में हम आपकी मदद करेंगे इस वीडियो के थ्रू, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सेल्फ डिसिप्लिन को प्रैक्टिकली रोज फॉलो कर सकते हो और अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकते हो हमारी बताए जाने वाली 7 टिप्स की मदद से। इतना ही नहीं, बल्कि वीडियो के एंड में हम एंड तक बने रहने वाले व्यूवर्स को एक ऐसी चीज भी देंगे जिससे उनको एक डिसिप्लिन पर्सन बनने में आसानी होगी। और वो आप तभी समझ सकते हैं जब आप इस वीडियो में बताए जाने वाले हर एक पॉइंट को एंड तक ध्यान से समझ के देखेंगे। तो नंबर 1, फॉलो द स्नोबॉल इफेक्ट। दोस्तों, स्नोबॉल इफेक्ट हमें समझाता है कि कैसे वक्त के साथ कंपाउंडिंग की पावर चीजों को मल्टीप्लाई करके बड़ा और आसान बना देती है। तो यहाँ आप स्नोबॉल को आपके डिसिप्लिन के लिए ली गई छोटी सी शुरुआत समझो। अब ये शुरुआत आपकी कोई हैबिट या स्किल हो सकती है और आसपास की बर्फ आपकी बाकी हैबिट्स हैं और ढलान है टाइम पीरियड। तो आपको सबसे पहले अपनी जिस मेन हैबिट में डिसिप्लिन होना है, आपको उससे शुरुआत करनी है। और ये स्नोबॉल जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, आपका उस एक हैबिट पे डिसिप्लिन होना भी आसान होता जाएगा। और फिर इस स्नोबॉल के आगे बढ़ने के साथ साथ आसपास की बर्फ भी इससे चिपकती जाएगी। यानी कि जब आप अपनी एक हैबिट पे डिसिप्लिन हो जाओगे, तो फिर आपको दूसरी हैबिट को उसमें शामिल करनी है, और फिर तीसरी, चौथी और फिर पांचवी। आने वाले वक्त में आपकी ये स्नोबॉल बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि आपने उसे टाइम दिया और बीच में रोक के उसका घूमना बंद नहीं किया। तो आपको काफी सारी चीजों या हैबिट्स को कंट्रोल नहीं करना, बल्कि आपको कुछ मेन एक या दो चीजों के लिए ही डिसिप्लिन होने की जरूरत है, जिसकी वजह से आपकी बाकी की चीजें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। एग्जाम्पल, अगर आप रोज कुछ फिक्स घंटों के लिए पढ़ने या काम करने की आदत में पूरी तरह डिसिप्लिन हो जाते हो, तो आपकी बाकी की प्रॉब्लम्स जैसे कि लेजीनेस और हमेशा सोशल मीडिया यूज करने की आदत अपने आप ठीक हो जाएगी, क्योंकि आपका पढ़ने का या काम करने का एक फिक्स टाइम होगा और उस टाइम में आप कुछ और चीजें नहीं कर सकते, तो बाकी एक्टिविटीज में टाइम वेस्ट करने की क्वांटिटी अपने आप ठीक हो जाएगी। नंबर 2, करेक्ट योर सर्कैडियन रिदम फर्स्ट। एक डिसिप्लिन पर्सन बनने के लिए आप स्टार्टिंग में सबसे पहले अपने सोने का और उठने का टाइम फिक्स करो। अगर आप अपनी ये हैबिट को ठीक कर लेते हो, तो ये आपका पहला कदम होगा एक डिसिप्लिन दिन का और डिसिप्लिन पर्सन बनने का। क्योंकि सुबह एक फिक्स टाइम पे उठने से दिन की शुरुआत में ही आपको सबकॉन्शियसली एक सिग्नल मिल जाता है कि आप अब एक डिसिप्लिन इंसान हो जो सुबह डिसिप्लिन के साथ उठ जाता है। साथ ही फिक्स टाइम पे सोना और उठना हमारे सर्कैडियन रिदम को सही कर देता है, क्योंकि हमारी बॉडी की एक नेचुरल स्लीप साइकिल होती है और इस साइकिल को सर्कैडियन रिदम कहा जाता है। और यही सर्कैडियन रिदम अगर अच्छी तरह से मैनेज की जाए, तो ये हमें एनर्जेटिक, प्रोडक्टिव और हेल्दी रखती है। लेकिन अगर ये अच्छी नहीं होगी, तो ना ही आपकी नींद पूरी होगी, ना ही आप में एनर्जी होगी और ना आपका कुछ भी करने का मन करेगा। इसीलिए आप ना ही फोकस कर पाओगे और ना ही डिसिप्लिन रह पाओगे। और हाँ, हम आपको एक और टिप देना चाहेंगे कि आप डेली सुबह अपना डे प्लान ना करें, बल्कि एक रात पहले ही अगले दिन की प्लानिंग करें। इससे आपको अगले दिन उठने के साथ ही पता होगा कि आपको कब और क्या करना है। नंबर 3, फॉलो अ सिंपल एंड इंटरेस्टिंग डेली रूटीन। डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए आपको कोई सुपर ह्यूमन डेली रूटीन की जरूरत नहीं है, बस आपको एक प्रोडक्टिव और सुटेबल डेली रूटीन की जरूरत है। आपको ये देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है और वीकनेसेस क्या है। अब आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और स्ट्रेंथ है, आपको उस पे ज्यादा फोकस करना है, और जो चीजों में आपको लगता है कि आप वीक हो, तो उसे या तो ठीक करने की कोशिश करो, या जरूरी नहीं है तो उस पे फोकस मत करो। अब आपको ये देखना है कि आपके लिए कैसा और कौन सा डेली रूटीन सही रहेगा, जिसे फॉलो करने में आपको लंबे समय तक दिक्कत भी ना आए और आपके गोल्स और वर्क भी कम्प्लीट हो जाए। और ये डेली रूटीन थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए, वरना बोरिंग हुआ तो आप क्विट कर दोगे। अब आपको कन्फ्यूजन होगी कि आपके लिए कौन सा डेली रूटीन सही होगा और कैसे आप खुद अपना डेली रूटीन डिजाइन कर सकते हो। तो इसीलिए दोस्तों, हम आपके लिए सक्सेसफुल लोगों के डेली रूटीन पे वीडियोस लाते हैं, ताकि आप वो हैबिट्स और रूटीन फॉलो कर सके जो आपको सही लगे, और जो सही नहीं लगे उसे छोड़ दें। नंबर 4, विन योर माइंड नॉट हैबिट्स। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व करने में फोकस करते हैं, जिसके लिए हम फिर एक्शंस भी लेते हैं और हैबिट्स भी डेवलप करते हैं। सब बढ़िया चलता है और मोटिवेशन भी रहती है, लेकिन कुछ टाइम बाद वही एक्शंस कम हो जाते हैं और वही हैबिट्स धीरे धीरे छूटने लग जाती हैं। मालूम ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम प्रॉब्लम्स को सिर्फ ऊपर ऊपर से ठीक करने की कोशिश करते हैं,
बजाय उससे जड़ से सॉल्व करने के, तो आपको हैबिट्स तो एक से एक मिल जाएगी, लेकिन अगर आपका माइंडसेट ही सही नहीं होगा तो आप मुश्किल हैबिट क्या एक छोटी सी आसान हैबिट भी फॉलो नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप डिसिप्लिन होने की हैबिट को शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका माइंडसेट ही अभी भी लेजी है तो बॉडी को पुश करने से कुछ नहीं होगा। तो अगर कोई भी हैबिट को फॉलो करना स्टार्ट करना है तो उस हैबिट के हिसाब से माइंडसेट भी रखो। एग्जांपल, अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो आपको धोनी या विराट जैसा ही अनस्टॉपेबल माइंडसेट भी रखना पड़ेगा, और वो माइंडसेट तब आएगा जब आप अपनी लाइफ और खुद के लिए सीरियस हो जाओगे, तभी आप मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी डिसिप्लिन रह पाओगे। नंबर 5, कीप योर पर्पस क्लियर। अगर आपकी मंजिल क्लियर है ना तो आपका रास्ता भी क्लियर होगा। यानी कि आजकल के एनवायरनमेंट में बहुत आसान हो गया है अपने गोल्स को भूल जाना या अपने पर्पस को और डिस्कवर ना करना। भूल जाना कि हमारा हमेशा से क्या सपना रहा है और हमें क्या बनना है। इसीलिए आपको विजुअलाइजेशन जैसी टेक्निक्स को रोज प्रैक्टिस करना होगा। हाँ, वही विजुअलाइजेशन टेक्निक जिसकी बात नेपोलियन हिल ने अपनी बुक थिंक एंड ग्रो रिच में भी की है। तो उसके लिए आपको अपने गोल या सपनों को अपने स्टडी टेबल और वर्क टेबल के आसपास या अपने रूम में लगाना है, ताकि जिसे देख के आपको हर कुछ पल में याद आ सके कि आपके गोल क्या है और आपका डिसिप्लिन रहना क्यों जरूरी है। और साथ ही आप सोने से पहले विजुअलाइज करें कि जब आप अपने गोल या ड्रीम अचीव कर लोगे तो आप कैसा फील करोगे। एक्चुअली विजुअलाइजेशन हमें क्लैरिटी देती है कि हम असल में दिल से क्या चाहते हैं, और यह विजुअलाइजेशन हमारे अंदर डिजायर को और स्ट्रांग करती है। और जब हमारा डिजायर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, तब हमारी लाइफ हमारे सपनों के लिए खुद डिसिप्लिन होना शुरू हो जाती है। लेकिन उसके लिए डिजायर स्ट्रांग और पर्पस क्लियर होना चाहिए। नंबर 6, डोंट लिव अकॉर्डिंग टू योर मूड। ये जो मन और मूड है ना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है। एक पल मूड बहुत अच्छा होता है और वहीं दूसरे पल यही मूड खराब हो जाता है, कभी कभार किसी वजह से तो कभी कभार बिना वजह बस यूं ही खराब हो जाता है। और अफसोस की बात है कि ज्यादातर लोग अपने दिमाग के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि अपने मूड के अकॉर्डिंग एक्शंस लेते हैं। और ये मूड कॉम्प्लिकेटेड चीज है जो हमारे लाइफस्टाइल को भी कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। जब चीज क्लियर है कि एक काम है उससे आपको एक समय के अंदर करना है, लेकिन फिर भी करते क्यों नहीं, क्योंकि अभी मूड नहीं है। तो अब यहाँ या तो आप मूड के अकॉर्डिंग जी सकते हो या समझदार लोगों की तरह आप अपने मूड को कंट्रोल कर सकते हो। नंबर 7, सेट मंथली माइलस्टोन्स। अब बात आती है कि हम अपनी डिसिप्लिन जर्नी की शुरुआत कहां से करें, पहले कितने दिनों का गोल रखें। तो स्टार्टिंग में 30 डेज का गोल रखो और आप रोज अपने गोल्स को सच में फॉलो कर सको, इसलिए हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जिस पे क्लिक करके आप 30 डेज का एक टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हो, जो कि एक कैलेंडर की तरह है जो आपको 30 दिनों तक रोज दिखाएगा कि आप रोज कितना बेहतर हो रहे हो, जिसे आप प्रिंट भी कर सकते हो या सिर्फ एक पेपर शीट पे ड्रॉ भी कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे। इसके पीछे हमारा यही गोल है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद भूल ना जाओ, बल्कि ये वीडियो के बाद आप अपने एक डिसिप्लिन पर्सन बनने के डिजायर को पूरा कर सको। तो दोस्त, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। और साथ ही अगर आप चाहते हो कि हम किसी और टॉपिक या प्रॉब्लम पे वीडियो बनाएं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम यहाँ आपकी हेल्प करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।